नो बकवास टेक की बात, मैं पीके आपके साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैनन पिक्समा G3010 प्रिंटर के नेटवर्क सेटिंग्स को फैक्ट्री रिसेट कैसे करना है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये G3010 प्रिंटर हमारे सामने है। इसमें आपको जाकर पहले इस रिसेट करने के लिए इस बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इस प्लस वाले बटन को 13 टाइम्स प्रेस करना है। और जब यहाँ पे 13 यानी कि 13 आ जाए तो आपको यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक बटन प्रेस कर देना है। तो प्रेस करने के बाद यहाँ प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, आप देख रहे हैं, और 1 आ गया। इसका मतलब अब ये प्रिंटर जो है वो फैक्ट्री रीसेट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इस प्रिंटर को आप रीलोकेट कैसे करें। यदि जैसे फर्स्ट टाइम सेटअप के लिए तो मैंने आपको बता दिया था कि CD से आप फॉलो करते जाइए, इजी कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अभी आपने रीसेट कर दिया है तो ये अपनी सेटिंग सारी भूल चुका है। तो अब इसे हम रीकनेक्ट कैसे करेंगे किसी भी लैपटॉप के साथ वायरलेसली, तो अगले वीडियो में वो हम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।